नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, आज 9 मई 2022 को तकरीबन पौने एक बजे 12:45 पे बिटकॉइन जो है 33,600 US डॉलर के आसपास जो है घूम रहा है। तो वीक हैंड तो निकल चुके हैं मार्केट से, जहाँ तक मेरा मानना है। और जो स्ट्रोंग हैंड हैं, जो थोड़ा स्टबर्न इन्वेस्टर हैं, तो वो लोगों के मन में अब शंका आनी शुरू हो गई है कि ये मार्केट अब किस तरफ जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये 32,000 के आसपास बिटकॉइन जो है एक बार डाइव करेगा, और उसके बाद मार्केट की दिशा निर्धारित होगी कि उस एरिया में अभी कितने स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर ऐसे हैं जो सेल करते हैं। तो उस एरिया में 2-3 बार ये डिप ले सकता है, यानी कि 32,000 US डॉलर तक जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, फिर 32,531 पे डिप मारेगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरह 2-3 बार ये उस एरिया में स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर को चेक करेगा। तो दोस्तों, अब स्ट्रॉन्ग हैंड की बारी है, अब उनको मार्केट से निकाला जाना है, कहीं ना कहीं उनके इमोशन के साथ खेला जाना है। और अगर स्ट्रॉन्ग हैंड सर्वाइव करते हैं और ज़्यादा मात्रा में सर्वाइव करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड अगर मार्केट में रुक जाते हैं, तो उसके बाद दोस्तों डायमंड हैंड को टेस्ट किया जाएगा। तो वहाँ से फिर जो है, अगर ज़रूरत पड़ी तो एक बार ये जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एक बार पूरा हो लेने दीजिए। 32,531 के आसपास 2-3 बार डिप ले लेने दीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये कैसा शेप ले रहा है मार्केट, कि क्या अब ये डायमंड हैंड को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये डायमंड हैंड को भी टारगेट करेंगे तो सिचुएशन उस टाइम क्या बनेगी, ये हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सिचुएशन ये है दोस्तों कि ऑलमोस्ट जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, रफली 35 से लेके 65% तक, 70% तक जो है वो लॉस में है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर 0.1 बिटकॉइन या 0.01 बिटकॉइन ख़रीदा था तो वो 0.01 बिटकॉइन ही है। ऑल्दो उसकी रुपी में वैल्यू आपको कम दिख रही होगी, लेकिन पूरी एसेट आपके पास है, उसको होल्ड रखें, स्टेकिंग में रखें, जितना टाइम मार्केट को लेना है लेने दें, लेट इट टेक इट्स टाइम। आपका समय आएगा, डायमंड हैंड का, स्ट्रोंग हैंड का समय भी आएगा। जैसे दिन के बाद रात का होना तय है, रात के बाद दिन का होना तय है, उसी तरह मार्केट गिरने के बाद उसका उठना तय होता है, और बहुत उठने के बाद उसका फिर गिरना तय होता है। तो यहाँ थोड़ी सिचुएशन ये बनती है कि अगर आप इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं बार बार आप लोगों को सजेस्ट यही करता हूँ कि आप मार्केट को देखना छोड़ दें, आप उसको स्टेकिंग में डालें, 30 डेज की स्टेकिंग में डालें, 30 दिन बाद फिर से खोलें, फिर से उसको रीस्टेक कर दें, और मार्केट को ज़्यादा देखना छोड़ दें, इन केस आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो। और जो मैंने आपको बताया कि अब टेस्टिंग जो है आप लोगों की अच्छी से चलेगी, आप लोग क्या, हम सब की अच्छे से चल रही है और आगे भी चल सकती है। इट ऑल डिपेंड ऑन द सप्लाई, हाउ मच सप्लाई इज देयर ऑन द लोअर लेवल्स। इफ देयर इज लॉट ऑफ सप्लाई, देन दे विल डिप इन देयर एरिया, दैट अगेन इवन डिप मोर। तो वहाँ से हमें वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू होल्ड इट, वी हैव टू होल्ड इन एनी केस, कुछ भी हो, कितना भी लॉस हो हमें। अब लॉस जो है वो सिर्फ पेपर पे है, तो हमें वो एसेट को होल्ड करके रखना है जब तक वो ग्रीन नहीं हो जाती, बहुत ग्रीन नहीं हो जाती, डार्क ग्रीन नहीं हो जाती। पकड़े रखो दोस्तों, मार्केट में कमाने का यही मंत्र है, और बाकी जितना भी आपको लोग बताएंगे, आप कभी उससे अगर कमाया हो तो मेरे को यहाँ कमेंट में लिख के ज़रूर बता देना। ट्रेडिंग बता देंगे आपको, यहाँ खरीद लो, यहाँ बेच लो, वो बता देंगे। लेकिन अगर वहाँ से किसी ने भी कमाया है तो यहाँ कमेंट में मेरे को ज़रूर लिख के बताएं। और जिन्होंने होल्डिंग वाले तरीके से कमाया है, वैसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, उनमें से एक मैं खुद हूँ,
तो मैं आपको ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलवा सकता हूँ, बात करवा सकता हूँ, जिन्होंने लॉन्ग टाइम तक होल्ड किया, सही एसेट को सही टाइम पे खरीदा, उसके बाद उसको होल्ड किया, डिप कितना भी गया वो कभी डरे नहीं। तो दोस्तों यही सिचुएशन हमें साथ लेके चलनी है, डरना नहीं है, होल्ड करके रखना है। और जब डार्क ग्रीन में पोर्टफोलियो आएगा दोस्तों, 200 300 400% का प्रॉफिट दिखाएगा, दिखाएगा, बिलीव मी दिखाएगा। तब तक के लिए वेट करें और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको होल्ड रखें तब तक। और जुड़े रहें दोस्तों क्रिप्टो की थेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।